लखनऊ जिले के अंदर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तुकराम सिंह पर आए और समाज का इसलिए हो कि समाज के जितने संस्थान जुड़े हैं उन सबसे मैं जुड़ा हुआ इस वो संस्थान की वो पार्टी की कोई बात नहीं कह रहा। कानून की बात है कि वकील जी के लिए वो एकदम सही है भाई। कानून का जो प्रोसीजर है वकील जी आप सबसे ज्यादा क्या है कि वकील जी जानते हैं क्योंकि कानून से जुड़े हैं। इस बात पे मुझे क्या कि अपने देश के साथ बैठे हैं ये भी सहयोग हो जाए कुछ लोग अपने समाज के आगे ये अपने को विश्वास दिलाते हैं तो मेरे हिसाब से अपने को बात मान आप है मतलब है कि हमने तय किया है पोस्टमार्टम कराया जाए लेकिन इस बच्चे की और इस परिवार की सुरक्षा करें और हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए हमारे साथ न्याय होना चाहिए। दोनों तरह मैं अपराध किया है सिद्ध होगा तो जेल जाएंगे सौ परसेंट यहाँ का कैसे तुम का इस जगह पे तो नहीं होगा। ये जो आप धमकी वाले बोल रहे हो ना एक भी आदमी कर देना आपके गांव में मैं जब तक हूँ यहाँ पे झुंझुनू में एसपी तब तक तो मेरी गारंटी है बिल्कुल नहीं हो सकता ये वाला इस पे तो आप भूल जाओ इस चीज़ वो चाहे कहीं से ही अप्रोच कर ले कितने शक्तिशाली हो कुछ भी हो कोई भी आदमी आस पास में नहीं आ सकता एक भी शब्द बोल दे एक भी लाइन बोल दे आपको तो मैं हूँ यहाँ। दूसरी बात ये है मेरा लड़ाई लेवल रहना है मेरा सर्दी मतलब है मैं मुझे जानता हूँ मेरा पॉलिटिकल हिंदुस्तान यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ पर मेरे तो काम करेगी नहीं कहेंगे तो मेरे क्या करने मैं तो क्यों वैसे नहीं इस चीज़ पे तो निष्पक्ष करो आप ये तो संभव ही नहीं है कि आपको जो सुरक्षा का बोल रहे हो और आपको धमकाने का बोल रहे हो कि परेशान करेंगे वो तो संभव ही नहीं है वो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो पुलिस अनुसंधान है वो नियमानुसार होगा उसमें मैं कुछ नहीं करता धमकाना डिप्टी साहब रोजगार तो हम ये फिलहाल ये कर सकते हैं कि एक तो आपकी माताजी जो है उनको हम पेंशन दिलाएंगे पेंशन जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन होती है उसमें उनका नाम आप सिर्फ हमें दस्तावेज दे देंगे हम अपने ऑफिस में खुद उनका नाम दे देंगे कहीं आने जाने की आवश्यकता। और दूसरा कभी जब कॉन्ट्रैक्ट पे आशा आंगनबाड़ी के इंटरव्यू होते हैं उसमें हम आपको आप नंबर दे देना हम आपको खुद बुलाएंगे लोकेशन पे यहाँ पर इंटरव्यू वो हम कर सकते और पेंशन का आप हतवा आज के दिन ही आपको शाम को नाम सिगला भाई ने राम राम मोहन थरू देसी पत्रकार रवि झुंझुनू बीडीके हॉस्पिटल में अभी पहुंच गया। देखा कि पिछले तीन दिनों है जो एक मामलो चल रहे हो कि बाबूलाल जी कानोड़िया बुढ़ंदा कला ग्राम पंचायत हूँ बाकी डेथ के बाद में फिलहाल अभी प्रदर्शन वगैरह करो जा रहे हो कुछ मांगा लेके तो अभी वहां का सुपुत्र अपने साथ ही बातचीत कर सकें कि कौन सी के मुख्य मांग है और अभी के फैसलो है जो बने हुए। नमस्ते। देखा कि पिछले तीन दिनों जो मामलो चल रहे हो पहले तो यह चीज थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्यों है कि नौबत बनी कि डेथ के बाद में कि तीन दिन तक प्रदर्शन वगैरह करना पड़े। देखिए जी हुआ ये था कि मेरे पिताजी श्री बाबूलाल कानोड़िया की श्री कल्याण गौशाला परिषद के अध्यक्ष थे उनको इतना ज्यादा मानसिक प्रताड़ित किया गया था जिसकी वजह से संदेहास्पद स्थिति में उनकी जो है तीन चार दिन पहले मृत्यु हो गई और जो लोग थे वो ये कहते थे कि भाई इन्होंने गौशाला में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया गाय खुली छोड़ दी कभी चंदे का ये कर दिया कबन कर दिया काफ़ी नकारात्मक उनकी छवि बनाई गई थी कुछ यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुए थे जिसकी वजह से जो छवि थी वो काफ़ी नकारात्मक थी। अब बात ये है कि मेरे पिताजी ने 21 तारीख के आसपास एक कंप्लेंट भी दर्ज करी थी बगड़धान में इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई उसकी वजह से वो चिंता में आ गए और उसकी वजह से जो आरोपी हैं उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी कि उन्होंने जो गौशाला की कमेटी है उसको भंग करके अपने ही जो है इलीगल तरीके से कमेटी खड़ी कर दी थी इसकी वजह से पिता चिंता में आ गए। मेरे पिता के 40 लाख रुपए इस पर खर्च हुए पूरे जीवन की जमा पूंजी उनकी इस पर ही लग गई थी और जो लोग हैं वो इस पर कब्जा करके बैठ गए 40 लाख रुपए की गौशाला उन्हें फ्री में चाहिए थी
उन्होंने चंदे के नाम पे भी काफी गबन किया, पूरे बड़ौंदा गांव से धोखा किया, चंदे के पैसे हड़प कर गए वो, ना ही उन्होंने अकाउंट में कुछ जमा करवाया ना ही कुछ और। तो उन्हें जेल पहुंचाने के लिए ही हमारे जो थी पुलिस प्रशासन से भी जो है बातचीत चल रही थी, जो कि आज जाके पूरी हुई है। तो आज यही डिसीजन हुआ है कि मेरे पिता का पोस्टमार्टम कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि SDM साहब शैलेश खेरवा जी और हमारे जो पुलिस थाना के अध्यक्ष हैं श्री श्रवण कुमार जी, उन्होंने भी मुझे एक मतलब गारंटी दी है कि भैया जो दोषी उन पर कार्रवाई होंगी और जो मेरी मांगे हैं सुरक्षा वगैरह को लेके वो पूरी की जाएगी। तो ये गारंटी मिलने के बाद ही मैंने डिसीजन लिया है कि जो समाज के लोग हैं उनके साथ परिवार के लोगों के साथ मिलके ये डिसीजन लिया है हमने कि जो लास्ट का पोस्टमार्टम है वो कर दिया जाए जी। तो जो देखा कि मामलों जो 3 दिनों चल रहे हो, आज है जो पोस्टमार्टम अभी होने जा रहे हो और मामलो सल्ट जो भी है, लेकिन देखा कि विवाद या फिर मुख्य मांग ही जो कौन सी मांग जो थारी रखी गई है, एक यह चीज भी सुनना आ रही है कि इस चीज को भी है कि परिवार ने सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, तो कौन लोगों खतरो है जो लाग रहे हो कि परिवार ने खतरो है वालों में? देखिए जी, कुछ नामजद लोग हैं जिनकी नज़र शुरुआत से ही मेरी पिताजी की बनाई हुई गौशाला पे थी, उन्होंने चंदे के पैसे भी गबन किए, वो मेरे पिताजी की कार्यकारिणी में भी थे, बट क्योंकि चंदे का गबन किया था इसकी वजह से पिताजी ने उनको कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया। अब हुआ ये कि उसका ही बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे पिताजी पर मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हुए थे जिसके अंदर जो है गायों को बाहर निकाल दिया गया और जो है गंदगी फैली गई। गंदगी फैली जरूर थी बट वो इसके लिए फैली थी क्योंकि गौशाला में कार्यकर्ता नहीं थे, कोई काम करने वाला नहीं था। काम करने वाला इसके लिए नहीं था क्योंकि उन गवालों को डरा धमका के बाहर निकाल दिया गया। कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना घटी थी, रामस्वरूप नाम का एक बंदा है जो अभी जेल में है फिलहाल, तो उसने गौशाला में घुस के रात के समय में सारी गायों को बाहर निकाला था। ऐसी छुटपुट घटना करके वो हमारे जो गौशाला के ग्वाले थे उनको डरा के धमका के रखते थे। आखिरकार 15 सितंबर को जो ग्वाले थे उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्हें गौशाला छोड़ दी, और उसके अलावा जो हमारे कंपाउंडर थे उनको भी डरा धमका के रखा गया था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे यहाँ काम छोड़ दिया। असर ये हुआ उन चीज़ों का कि गौशाला संभालने वाला कोई था नहीं, फिर भी मेरे पिता ने जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहाँ वहाँ लोगों को बुला के डेली वेजेस पर रख के गौशाला की सफाई करवाई, लेकिन कुछ लोगों ने नकारात्मक वीडियो बना के एक गौशाला का पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो दिखा के ये दिखाया कि यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे गाय मर रही है। गाय इसके लिए मर रही है क्योंकि उन्होंने पहले का प्लास्टिक खाया हुआ था, वो आवारा गाय थी। जब हमारे गौशाला में कोई गाय आती है तो हम उसकी डॉक्टरी चेकअप नहीं करते, हम बस ये देखते हैं कि ये गाय है, उसके नाम की रसीद फाड़ते हैं और अगले को दे देते हैं और गाय रख देते हैं, फिर उस पर जो भी दवाई का खर्चा होता है वो गौशाला ही उठाती है सर। तो इसके लिए जो गाय मरती है आप ये नहीं कह सकते कि वो भूखी मरी है, जबकि गाय गाँव में जो गौशाला है उसके यहाँ पानी और चंदे की पानी और चारे की पूर्ण व्यवस्था थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन डालने वाला नहीं था, इसके लिए गाय जो है तकलीफ में आके मरी थी। कुछ ये भी जानकारी मिल रही है कि जो थारा पिताजी को शायद कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहे हैं? देखिए ट्रीटमेंट तो ऐसा चल रहा था, उन्हें थोड़ी सांस की बीमारी इसके लिए थी क्योंकि जब उनसे कोई ऊंची आवाज में बात करता था, कोई धक्का मुक्की करता था, तो उनके जो सांस है वो खड़ने लगती थी, तो उस हालात में आके वो छोटी मोटी दवाई लेते थे, उनका कोई फ्रीक्वेंटली जो ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। और वो ऐसा भी हुआ था उनके साथ कई बार कि कुछ लोग थे गांव के दबंग जिनका नाम भी FIR में दर्ज है, उन लोगों ने साथ धक्का मुक्की की थी, हमारी जाति रेगर उनको लेके भी कई तरीके के अपसूचक शब्द इस्तेमाल किए थे, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, जिनकी वजह से मेरे पिताजी खौफ में थे और वो खौफ का आतंक इतना बढ़ता गया कि आखिरकार उन्होंने 4 दिन पहले दम तोड़ दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो बातचीत करी मनीष जी कानोड़िया, जो बाबूलाल कानोड़िया जी का जो सपुत्र ही, जो मामलो हो भी पर पूरी जानकारी ली की वजह यह घटना हुई और अभी जो के मामला है जो बने हुए और जठा तक देखा कि 3 दिन हुए जो मामलो लटक रहे हो, बिकमान पोस्टमार्टम को नहीं हो पा रहे हो, समाज की ओर जो धरना प्रदर्शन जो करे जा रहे हो, रदा कला गाँव में भी 2 दिन से बाबूलाल कानोड़िया की मौत से कुजूल लेके प्रकरण चल रहा था, परिजन 2 दिन से यहाँ निष्पक्ष जाँच और अन्य मांगों के लेके विरोध कर रहे थे और बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे थे। अब 2-3 वार्ताओं के बाद उसके परिजन और समाज के सभी लोग इस बात पर सहमत हुए कि इस मामले के निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए और पुलिस द्वारा यह आश्वासन देने के बाद उनके परिजनों ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने पर सहमति हो गई और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगे जो भी होगा निष्पक्ष जाँच की जाएगी। आज है जो फाइनली जो प्रशासन के साथ बातचीत करके है मामला सुलटा लियो गयो है और सुलझा लियो गयो है और अभी पोस्टमार्टम होने जो जा रहे हुए बना रहो वीडियो पर हम थारा जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान,
जय हिंद।